तो उसमें सबसे पहले हमें क्या समझना होगा, अबाउट द हेल्थ। अब देखो यदि हम हेल्थ के डेफिनेशन की बात करें तो अलग अलग लोगों से पूछोगे तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से हेल्थ को डिफाइन करेंगे। यदि आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेल्थ, हाउ यू विल डिफाइन हेल्थ, हेल्थ क्या है, व्हेन यू विल से दैट यू आर हेल्दी, जब आपको बीमार नहीं होते हैं तो इसका मतलब आप हेल्दी हैं। देखो अब अलग अलग लोगों से पूछोगे तो अलग अलग चीजें निकल के आएंगी। मतलब एक जनरल जो आम लोग होते हैं उनसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेल्थ, तो वो कहेंगे इफ आई एम डूइंग माय वर्क प्रॉपरली विदाउट एनी फटीगनेस, बिना थके हुए आराम से जितना मुझे काम करना है आराम से कर ले रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं हेल्दी हूं। यदि यही डॉक्टर से पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ, तो उनका हेल्थ का डेफिनेशन कुछ और ही होता है। उनका हेल्थ का डेफिनेशन ये होता है यदि आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सही काम कर रहे हैं, दैट मींस यू आर हेल्दी, ठीक है, कोई डिफेक्ट नहीं है ऑर्गन में, इसका मतलब यू हेल्थ है, हेल्दी हो आप। तो हम अलग अलग डेफिनेशन तो लिख नहीं सकते हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने हेल्थ का एक प्रॉपर डेफिनेशन निकाला एंड दैट वी हैव टू फॉलो। अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ इज डिफाइन एज द टोटल वेलबींग ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल। इन्होंने डिफाइन किया हेल्थ को टोटल वेलबींग, टोटल वेलबींग ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल। ये तीनों चीजों का वेलबींग जब होगा देन ओनली वी कैन कंसिडर ए पर्सन इज हेल्दी। जैसे कि आप इसको ऐसे समझिए, जब हम कहते हैं फिजिकल, फिजिकल मीन्स योर ऑर्गन्स आर प्रॉपर, दे आर वर्किंग प्रॉपरली, देयर इज नो डिफेक्ट इन टू इट, सो दैट विल बी कॉल्ड एज यू आर फिजिकली वेल और नॉट। मान लीजिए किसी का ऑर्गन एक निकल गया, एक डैमेज हो गया, हाथ कट गया, पैर कट गया, तो क्या उसे हम भाई साहब कहां से फिजिकल वेलबींग जब हम कहते हैं तो हमारे जितने भी ऑर्गन है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, कोई डिफेक्ट नहीं है उसमें, कोई खराबी नहीं है, तो इसका मतलब हम फिजिकली वेल है, ठीक है। मेंटल वेल करने का मतलब क्या है, आपके सारे ऑर्गन काम कर रहे हैं लेकिन जो आपका फिजिकल एज है उसके अकॉर्डिंगली आपका मेंटल एज भी होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई आदमी 20 साल के उम्र में बच्चों की तरह बिहेव करेगा तो क्या उसे हम मेंटली वेल कह सकते हैं, नहीं। यदि एक आदमी 20 साल का है तो उसको 20 साल के तरह ही बिहेव करना होगा। कोई बच्चा यदि 2 साल का है और वो 50 साल के बूढ़े की तरह बिहेव कर रहा है तो वो भी सही नहीं है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द फिजिकल एज द मेंटल एज शुड बी ऑल्सो प्रेजेंट और नॉट, देन ओनली वी कैन से दैट द पर्सन इज मेंटली वेल, ठीक है। तो मेंटली वेल भी रहना जरूरी है कि नहीं, मान लीजिए कोई पागल है तो उसको हेल्दी कर दीजिएगा आप, नहीं, ठीक है। ऐसे ही सोशल वेलबींग, ह्यूमन बींग एक सोशल एनिमल है। ह्यूमन बींग को आपको मैं किसी रूम के अंदर 20 साल के लिए बंद कर दूं तो क्या आप आराम से जी लेंगे, नहीं, क्योंकि हमें इंटरेक्शन करना होता है दूसरे इंडिविजुअल से, हमें आपस में एक दूसरे से काम भी निकालना होता है, तो बहुत सारे मतलब होते हैं। तो इसका मतलब है कि सिंस वी आर सोशल एनिमल सो वी नीड इंटरेक्शन विथ वन अनदर ऑल्सो, इफ द प्रॉपर इंटरेक्शन इज नॉट टेकिंग प्लेस दैट मीन्स वी आर नॉट वेल, ठीक है। हमें एक दूसरे के साथ कॉपरेशन की भावना भी रखना चाहिए। सो व्हेन वी से हेल्थ, हेल्थ मीन्स टोटल वेलबींग ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल। कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो फॉल हेल्थ में होते हैं आदमी, ठीक है, हम कहते हैं ये एंटी सोशल आदमी है। तो एंटी सोशल है मतलब कि उसको आप हेल्दी नहीं मान सकते हैं, ठीक है, जो सोसाइटी में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। सोसाइटी में सब रहते हैं, अब सोसाइटी में एडजस्ट नहीं हो रहा है तो कैसे उसको आप हेल्दी कह दोगे, कहो कोई ना कोई पेच ढीला है इसका, ये तो कहते हैं हम लोग लोकल लैंग्वेज में, ही कहते हैं कोई कोई पेच ढीला है इसका, इसीलिए वो सोशली एडजस्ट नहीं हो रहा है।
जब आदमी एक सोशली एडजस्ट हो जाता है, मान लो तुम एक कॉलोनी में रह रहे हो, कॉलोनी वाले की गंगा बह रही है नॉर्थ में, तुम्हारी गंगा बह रही है साउथ में, तो काम तो नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो हमें सोसाइटी को भी या सोशल रिलेशंस को भी मेंटेन करना पड़ता है। तो दिस इज मींस हेल्थ। सो द टोटल वेलबींग ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल इज कॉल्ड एज हेल्थ। तो हेल्थ क्या होता है समझ में आ गया। दिस इज द डेफिनेशन व्हिच हैज बीन गिवन बाय द WHO एंड दैट यू हैव टू फॉलो। अब सवाल ये होता है कि नेक्स्ट जो हम बात करेंगे दैट इज अबाउट डिजीज। तो हेल्थ क्या होता है सबको समझ में आ गया। एक बात और समझ लीजिए, यदि आप हेल्थ को प्रॉपरली मेंटेन करना चाहते हैं तो यू शुड टेक ए बैलेंस डाइट, यू शुड टेक ऑल द प्रिकॉशनरी मेजर सो दैट यू डू नॉट फॉल इल, ठीक है। तो इफ यू वॉन्ट टू बी रिमेन हेल्थी दीज थिंग्स हैज टू बी मेंटेन्ड और नॉट, देन ओनली यू विल बी रिमेनिंग हेल्थी। अब मान लो कि इनमें से यू आर नॉट एबल टू टेक ऑल द प्रिकॉशनरी मेजर, एंड सिंस यू हैव नॉट टेकन ऑल द प्रिकॉशनरी मेजर सो यू हैव फॉलन इल, तुमने सारे प्रिकॉशनरी मेजर नहीं लिए तो इसलिए तुम बीमार पड़ गए। अब बीमार पड़ गए तो इसका मतलब यू आर सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज। तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज डिजीज। डी इज, इज का मतलब होता है कंफर्ट, डी मतलब डिस, ठीक है, डिस्कम्फर्ट, ठीक है। सो व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम डिजीज दैट मीन्स यू हैव कम इनटू द डिस्कम्फर्ट जोन और कंफर्ट जोन, डिस्कम्फर्ट जोन। तो डिस्कम्फर्ट, डिजीज का मतलब होता है डिस्कम्फर्ट। तो डिजीज जब हम कहते हैं तो डिजीज कहने का मतलब क्या हो गया, डिस्कम्फर्ट। दैट मीन्स व्हेन ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी इलनेस और एनी प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ विच ही इज इन द डिस्कम्फर्ट जोन, सो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, डिजीज। और इस चीज के लिए उसे, इसका मतलब यह है कि ऑल द पैरामीटर्स विच आर देयर फॉर द हेल्थ दैट ऑन ऑल दोस पैरामीटर सम और अदर वेयर द पर्सन इज नॉट फीलिंग हेल्दी, तभी तो वो एक पर्टिकुलर डिजीज से सफर कर रहा है। कि किसी आदमी को कोई डिजीज हो गया, डिस्कम्फर्टेबल जोन में, इसका मतलब सफरिंग फ्रॉम द डिजीज। तो हमें कैसे मालूम चले कि उसे कोई डिजीज हो गया है। मान लो आपको कोई डिजीज हो गया, आपको कैसे मालूम चलता है कि आपको डिजीज हो गया। आपको मालूम चलता है या नहीं चलता है, थोड़ी गर्म होना या फिर थोड़ा सा लो सा फील करना, डिस्कम्फर्ट फील होता है, तुम्हें लग रहा था यू आर डिस्कम्फर्टेबल, यदि आपको डिजीज होगा तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपसे क्या कहता है कि बेटा आपको क्या हो रहा है। आप बोलते अरे जी बुखार हो रहा है जी, सर इधर दर्द होता है जी, इधर दर्द होता है जी, खांसी आता है जी, छाती दर्द करता है जी, सर दर्द करता है जी, करते हुए नहीं करते हुए करते हो ना। दीज आर द सिम्टम्स एंड द साइन, और इन सिम्टम और साइन को सुनने के बाद डॉक्टर एक एजम्पशन बैठाता है कि आपको ये डिजीज हो रहा होगा, और उसके एजम्पशन पे बेस्ड वो आपको एक दवाई प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है। अब उसका एजम्पशन सही बैठा मतलब तुक्का सही बैठा तो आप ठीक हो जाओगे, उसका तुक्का सही नहीं बैठा तो तुम ठीक नहीं होगे। फिर एक हफ्ते बाद जाओगे वो कहे जी हमने जो दवाई दी उसके ऊपर पड़ा ही नहीं, ये तो और बढ़ गया। तब उसे ये समझ में आ जाएगा कि जो उसने तुक्का बैठाया था वो तुक्का गलत है। फिर जो एक नया तुक्का बैठाएगा तुम्हारे पर ये तो होगा, यदि वो ठीक बैठा तो ठीक, नहीं तो फिर तुम्हारे आप उसके पास पहुंच जाओगे दो चार दिन बाद। तो उसे समझ में आ जाएगा कि भैया उसके पकड़ में रोग नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेगा उसके बाद, वो तुम्हें कुछ टेस्ट करेगा कि जाके ये टेस्ट करवा के आइए। अब टेस्ट करवाया तो उसका रिपोर्ट आ गया, उससे ये चीज प्रूफ हो जाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो एक अच्छा डॉक्टर वो होता है
जो पहले अपने आप को एश्योर कर ले कि आपको ये डिजीज हो रहा है और उसके अकॉर्डिंगली आपको दवा लिखे। इसीलिए बड़े बड़े हॉस्पिटल में जब जाओगे तो वो टेस्ट लिखते हैं, ये टेस्ट करवाओ, ये टेस्ट करवाओ, ये टेस्ट करवाओ, ये टेस्ट करवाओ। फिर उन टेस्ट को वो स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद वो एक निष्कर्ष पे आते हैं कि यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिजीज, सो दीज मेडिसिन शुड बी प्रिस्क्राइब टू यू। तो आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन आप बोलोगे कि जी हमारे वाले तो करवाते नहीं है टेस्ट वेस्ट। इसलिए नहीं करवाते हैं क्योंकि हमारी जो मानसिकता है वो बहुत गंदी है। यदि किसी डॉक्टर के पास गए और उसने कहा कि आप जाके टेस्ट करवा के, भाई तो बहुत पैसा खोर है, 100 रुपए की जगह पे 300 रुपए का टेस्ट लिख दिया, उसका 200 रुपए का दवाई लिख दिया, तो बेकार डॉक्टर है। ठीक है, किसी के पास तुम गए, अब वो सोचता कि भैया ये आया है और इसको यदि तुम टेस्ट वेस्ट के लिए कहोगे तो ये अगली बार भाग जाएगा, ये या वो भी टेस्ट नहीं करवाएगा, चलो इसको दवाई लिख देते हैं क्योंकि ये लक्षण है और इस समय ये मौसम चल रहा है तो यही वाला डिजीज होगा। नॉर्मली डॉक्टरों का एजम्पशन भी ठीक बैठता है क्योंकि हर एक डिजीज का अलग अलग साइन और सिम्टम्स होता है, तो उस सिम्टम पे बेस्ड वो तुम्हें दवाई लिख देगा, तुम ठीक हो जाओगे। आ रहा है समझ में? तो डिजीज यदि आपको होगा तो देयर विल बी सर्टेन साइन एंड सिम्टम्स व्हिच विल बी शोन इन योर बॉडी एंड बेस्ड ऑन दैट यू विल बी एबल टू डिराइव दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम पर्टिकुलर डिजीज और नॉट। आया समझ में? तो डिजीज जो होता है उसको हम क्या चीज से आइडेंटिफाई करते हैं? बाय साइन एंड सिम्टम्स। सिम्टम्स कहने का मतलब होता है दोज एविडेंसेस व्हिच आर प्रेजेंट इन प्रेजेंस ऑफ ए डिजीज। एक डिजीज जो होता है उसके प्रेजेंस में कुछ एविडेंसेस शो करता है आपके बॉडी। ठीक है, तो उन एविडेंसेस पे बेस्ड हम कहते हैं कि आपको, एक बात बताओ, किसी को टाइफाइड हुआ है तो खांसेगा तो नहीं? यदि किसी को कॉमन कोल्ड हुआ है तभी तो खांसेगा। अब मौसम चेंज हो रहा है, इस समय खांस रहे हो तो सीधा सा मतलब है कि तुम्हारे ऊपर वायरल अटैक है, क्योंकि वायरस जो होता है वो उस समय एक्टिव होता है जिस समय आपके एनवायरनमेंट का मौसम जो होता है वो फ्लक्चुएट होता है। मतलब ठंड कम हो रही है, गर्मी ज्यादा हो रही है, गर्मी कम हो रही है, ठंड बढ़ रही है, जब ये फ्लक्चुएशन होता है तो तुम देखना लोग बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इस समय वो कंडीशन होता है जिस समय आपकी बॉडी इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है थोड़ी सी, क्योंकि वो एक तरह से एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अडॉप्ट किए रहती है। ठीक है, और तुम्हारे जो ये पैथोजन्स हैं उस समय हाईली एक्टिव हो रहे होते हैं, तो तुम क्या हो जाओगे? तुम हो जाओगे बीमार। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है जब मौसम चेंज हो रहा होता है तो उस समय आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा सा ठंड, अभी ठंड था, थोड़ी सी गर्मी आई, सारे कपड़े उतार के फेंक दिया और सब पहन के अकेला घूम रहे हैं तरफ चटाव तरफ, उससे क्या होगा? वो फ्लक्चुएशन जो है ना वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा। तो यू हैव टू, पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है तुमने रटा एंड यू हैव मगअप दैट थिंग्स एंड यू हैव वोमिटेड इनटू द एग्जाम। इफ दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू योर लाइफ ऑल्सो यू शुड इम्प्लीमेंट दोस इनटू योर लाइफ सो दैट यू डू नॉट फॉल इल। ओके, सो नेक्स्ट वी कमिंग टू द डिजीज। So the disease is identified. Disease means discomfort. That means a person is suffering from one or another problem because of which the person has come into the discomfort zone. So that's why that type of problem is called as disease. जो disease होता है that is identified by certain sign and symptoms. Sign and symptoms are those evidences which indicate that the person is suffering from a particular disease or not. As on में और एक आदमी एक डिजीज से उसी समय सफर करेगा जब उसके 3 लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं बॉडी में। कितने लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं? 3। इफ ऑल द 3 लाइन ऑफ डिफेंस विल बी ब्रोकन डाउन देन ओनली यू विल बी सफरिंग फ्रॉम डिजीज। आपके बॉडी में 3 लाइन ऑफ डिफेंस होता है, उन तीनों को ब्रेक करेगा जब जर्म, तब जाके आपको डिजीज होगा। पहला होता है एंट्री का, जर्म एंटर करेगा तभी तो डिजीज कॉज करेगा। एंट्री ना हो इसके लिए तुम्हारे बॉडी पे स्किन है, ठीक है, ताकि कोई जर्म आए तो वो सीधे बॉडी के अंदर एंटर ना कर जाए। तो जो आपका स्किन है वो आपको जर्म से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है या नहीं, इसलिए तुम देखना यदि तुम्हें कोई घाव या कोई कट लगता है तो क्या करता है, उसको तुरंत कवर कर दो ताकि इन्फेक्शन ना हो। इन्फेक्शन ना हो मतलब क्या, कोई जर्म उसके अंदर घुस ना जाए, क्योंकि यदि वो कटा हुआ है तो आपका ब्लड
एनवायरमेंट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है और वो कोई चीज उसमें आ गया तो वो बॉडी के चारों तरफ घूम जाएगा कि नहीं घूम जाएगा, तो इसलिए उसको कवर कर दिया जाता है। तो पहला जो लाइन ऑफ डिफेंस है वो कौन सा है, स्किन। दूसरा लाइन ऑफ डिफेंस है फिजियोलॉजिकल लाइन ऑफ डिफेंस। फिजियोलॉजिकल लाइन ऑफ डिफेंस कहने का मतलब होता है जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी के अंदर कुछ ओपनिंग्स है, नाक है, मुंह है, कान है, इनके थ्रू भी तो घुस सकता है जब बॉडी के अंदर। अब मान लीजिए खाना खाया, खाने में कोई जर्म था, वो सीधा चला गया आपके पेट में। अब पेट में चला गया तो वो तो आपको डिजीज कॉज कर सकता है, तो उसके लिए सेकंड बैरियर एक्ट करता है, दैट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। जैसे ही स्टमक में जाएगा, हमारा स्टमक जो होता है वो हाईली एसिडिक होता है, ये तुमने पढ़ा होगा। हाईली एसिडिक इसीलिए होता है ताकि कोई जर्म फूड के साथ जाए तो उसको वो किल कर सके, क्योंकि हाईली एसिडिक मीडियम में कोई भी चीज सर्वाइव नहीं कर पाता है कॉमनली, तो हाँ जर्म मरेगा कि नहीं मरेगा। मान लीजिए कि किसी तरीके से स्किन में घुस भी गया तो देखना वहां पे स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन रहता है, तो ये जो इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, पेट में गया वहां पे वो मारा जा रहा है। सो ऑल दीज आर द फिजियोलॉजिकल बैरियर्स ताकि जर्म्स को मारा जा सके। मान लो वहां पे भी नहीं मारा जा सका, वहां ही बच गया, इन्फ्लेमेशन हुआ, इन्फ्लेमेशन से ही बच के वो अंदर घुस गया, तो अंदर घुसने पर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एक्ट करेगा। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है तुम्हारा WBC। हमारे बॉडी के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो जर्म से फाइट करने की एबिलिटी रखते हैं। दोज आर कॉल्ड एज WBC, ठीक है, विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज विथ व्हाट आर द अदर नेम ऑफ WBC? ल्यूकोप्लास्ट साइंटिफिक नेम है। और किसी जनरल नेम से उसको पुकारते हैं, किसे हम सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को। तो सोल्जर्स का काम क्या होता है, एनिमी को ना आने देना, यदि इंडिया मार गिराना, उसको कोई पाकिस्तान से आ रहा है तो उसे पूछेगा भाई आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ तुम अपना, वो तो वहीं से उड़ा देगा उसको, हाँ या नहीं। वैसे ही जैसे ही जर्म तुम्हारे बॉडी के अंदर एंटर करेगा, एंटर दो लाइन को तोड़ के तो कर गया, मतलब बॉर्डर क्रॉस कर चुका है वो। अब बॉर्डर क्रॉस किया है कोई बाहर का तो उससे मतलब ये नहीं है कि वो इंडिया का है या पाकिस्तान का है। यदि पाकिस्तान के साइड से आ रहा है तो दुश्मन है, तो जो सेना है वो उससे आइडेंटिटी कार्ड नहीं मांगेगा, वो सीधे उस पर जाके ताड़म तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देगा कि नहीं कर देगा। वैसे ही हमारे बॉडी में WBC है। यदि बाहर से कोई चीज आया है तो यदि मान लो दोनों लाइन ऑफ डिफेंस को तोड़ के अंदर घुस गया तो उससे कोई पूछेगा नहीं, सीधे जाके उस पर अटैक करना शुरू कर देगा ताकि उसको वो मार सके। यदि जर्म मर गया WBC से तो आपको कुछ नहीं होगा, और गलती से जर्म नहीं मारा तो तीनों लाइन ऑफ डिफेंस ब्रेक हो गया, यू विल बी सफर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिजीज जिसके लिए वो जर्म रिस्पॉन्सिबल है। मान लो टेररिस्ट था, टेररिस्ट बॉर्डर क्रॉस किया, उसको सेना नहीं मार पाया, किसी तरीके सेना से बच के वो निकल गया, तो आतंक तो फैलाएगा देश में आके वो, ठीक है, तो देश में तुम्हारे शरीर में आके वो आतंक फैलाना शुरू करेगा, ठीक है। अब उसके बाद जो WBC सारे नाम बचेगा सब जगह पूरे बॉडी में, अब सारे WBC उसको पकड़ने निकलेंगे सबको, ठीक है, तो धीरे धीरे फिर वो कंट्रोल आ, तो डॉक्टर के पास जाओ कुछ हेल्प मिलेगा। तो ऐसे ही कंट्री में होता है, जैसे टेररिस्ट घुस गया, सारे जगह से इंफॉर्मेशन लेना शुरू किया, जैसे हम लोग डॉक्टर के पास गए, ठीक है, और फिर उसको घेर के मारना शुरू करता है ना, ऐसे ही हमारे बॉडी में भी जब जर्म घुस जाता है तो डॉक्टर के पास गए, वो दवाई देता है, इससे WBC हमारे और स्ट्रांग रहते हैं, फिर वो मिलकर उन जर्म को मारता है, और जैसे ही जर्म मर गया फिर तुम ठीक नॉर्मल हो जाओगे, नहीं हो जाओगे, ठीक है। तो डिजीज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे क्या होता है, समझ में आ गया। अब देखो डिजीज दो तरीके से होता है, या तो दो फैक्टर होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज, या तो वो एक्सटर्नल फैक्टर होंगे या वो इंटरनल फैक्टर होंगे। एक्सटर्नल को हम एक्सट्रेंसिक और इसे इंट्रेंसिक फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। अब जब हम कह रहे हैं इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक, तो इंट्रेंसिक मतलब इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल एक्सट्रेंसिक मतलब एक्सटर्नल फैक्टर। तो एक्सटर्नल फैक्टर कहने का मतलब कि कोई ऐसा फैक्टर जो बाहर से आपके बॉडी के अंदर एंटर किया हो, सो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, एक्सटर्नल फैक्टर। मान लीजिए कोई जर्म है, कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है,
तो वो बाहर से आपके बॉडी के अंदर एंटर करता है या आपके बॉडी के अंदर होता है? बाहर से करता है. सो दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक फॉर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ए पर्टिकुलर डिजीज. इंट्रेंसिक फैक्टर क्या है? इंट्रेंसिक फैक्टर आर दोज फैक्टर विच आर नॉट कमिंग फ्रॉम आउटसाइड. फॉर एग्जाम्पल माल फंक्शनिंग ऑफ योर एनी ऑर्गन. कोई ऑर्गन है काम करना काम ठीक से नहीं कर रहा है तो वो बाहर से कुछ गया या अंदर ही कुछ हुआ उसको अंदर ही कुछ हुआ तो उसके कारण आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो दैट विल बी ए इंट्रेंसिक फैक्टर. जेनेटिक डिसऑर्डर हो कोई बाय बर्थ में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है ठीक है तो वो भी एक इंट्रेंसिक फैक्टर है. मान लीजिए आपका इम्यून सिस्टम वीक हो गया इस कारण से आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है दैट इज ऑल्सो ए इंट्रेंसिक फैक्टर. तो कौन सा फैक्टर है उसको आप डिटरमिन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? सो देयर ऑल द फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ए डिजीज आर डिवाइडेड इनटू टू थिंग्स इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक. एक्सटर्नल बाहर से आएगा जैसे पैथोजन हो गया. इनएडिक्वेट डाइट आप ले रहे हैं मान लीजिए अनबैलेंस फूड ले रहे हैं तो जो न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में चाहिए फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग क्या उसे मिल पाएगा? नहीं. तो दैट विल ऑल्सो कॉज ए डिफिशियंसी डिजीज इन योर बॉडी और नॉट. ऐसे ही आप मान लीजिए इफ यू आर टेकिंग सर्टेन ड्रग्स लाइक टोबैको नार्कोटिक्स सो दैट विल बी ऑल्सो कॉजिंग वेरियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन योर बॉडी और नॉट. सो दीज आर एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं बाहर के एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं पॉल्यूटेंट्स होते हैं सो दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन आवर बॉडी और नॉट. तो कोई भी चीज जो बाहर से आ रहा है और हमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है हमें किसी पर्टिकुलर तरह के डिजीज को कॉज कर रहा है सो दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सट्रेंसिक फैक्टर फॉर कॉजिंग ए पर्टिकुलर डिजीज और नॉट. एज समझे अब ये जितने डिजीज होते हैं इनको हम दो इनको यदि हम कहें कितने टाइप होते हैं तो ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं. ये कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं. या तो वो कॉन्टेजियस सॉरी या तो वो बाय बर्थ होंगे इनहेरिटेड होंगे या वो एक्वायर्ड होंगे. जितने भी डिजीज होंगे या तो बाय बर्थ आपके अंदर प्रेजेंट होंगे ठीक है या वो बाद में डेवलप होंगे. तो यदि बाय बर्थ प्रेजेंट है तो उन्हें कहते हैं कॉन्जेनाइटल डिजीज या एक्वायर्ड डिजीज. तो दो डिजीजेस विच आर प्रेजेंट बाय बर्थ डिजीजेस प्रेजेंट बाय बर्थ सो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? कॉन्जेनिटल डिजीजेस. जैसे मम्मी पापा से आपके अंदर कोई डिजीज आया है तो वो बाय बर्थ आया या बर्थ के बाद आया? बाय बर्थ आया. कोई बच्चा किसी सिंड्रोम से किसी तकलीफ से जूझ रहा है तो वो बाय बर्थ आया है तो दैट टाइप ऑफ डिजीज विल बी कॉल्ड एज व्हाट? कॉन्जेनिटल डिजीजेस. तो जितने भी इनहेरिटेबल डिजीजेस होते हैं दे ऑल कम अंडर द